सत श्री अकाल, मैं हर्षदीप कौर, तुसी देख रहे हो पंजाब तक। इस वक्त असी पटियाला जिले चो मौजूद हाँ धनेड़ी जट्टा टोल प्लाजा। इतने किसान इसलिए बैठे ने क्योंकि अगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, उत्थे उन्हां नूं जाण नहीं दिता गया। इतने इन्होंने डेरे ला ले, शांतमई तरीके नाल बैठे ने, लंगर पानी का इंतजाम भी पूरा है। पुलिस वाले भी इत्थों ही किसानों के हथों ही लंगर छक रहे हैं। धुप बहुत ज़्यादा है, शबील किसानों के हथों ही पी रहे हैं तो ड्यूटी भी निभा रहे हैं, किसानों को अगे नहीं जाण दे रहे। होर खास कर इस मोर्चे की हुण यह है कि इत्थे हरियाणे के किसान भी पहुँच गए हैं पंजाब के किसानों को सपोर्ट करने लिए। वैसे किसानी अंदोलन च हरियाणा पंजाब की एकता सब ने देखी, तो उस कई उदाहरण समय समय से मिल दिया ने। तो एक बार फिर हरियाणा के किसान बैठे ने। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, आदाब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप कवर करने के लिए आए। तो कि इतने तुम आ गए, तुम्हें जानकारी मिल गई सी इतने किसानों को रोकया जाऊगा? नहीं, हम पहले दिन से अंदोलन में साथ लड़ रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, मतलब कि 13 फरवरी से हम साथ ही थे, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो। और पिछले आंदोलन में भी हमने साथ ही इनके साथ ही हमने सीखा है पंजाब से, पंजाब बड़े भाई की तरह है हमारा, और उनसे ही सीख कर हम आंदोलन आगे बढ़ते लड़ते रहे हैं। और हुण की अगे तो जान नहीं दिता जा रहा, फिर गल किवें रखोगे? इत्थे बैठे बैठे रहोगे तो जो प्रधानमंत्री जी चल जाएंगे फिर तुम भी वापसी चाले पालोगे? नहीं, इसका फैसला जो हमारी कोऑर्डिनेशन टीम है SKM नॉन पोलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के जो उनके अग्रिम नेता हैं, वो फैसला लेंगे कि आगे का फैसला क्या होगा। लेकिन हमने अपने विरोध करने की, जो हमने बोला था कि हम सवाल करने के लिए जा रहे थे, ना कि कोई बायकॉट करना या हमारा काले झंडे दिखाना ही मकसद था। अगर सरकार चाहती तो ये सारी मीटिंग फैसिलेट की जा सकती थी, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात स्पष्ट की थी कि कोई मोदी का विरोध करना, देश का प्रधानमंत्री है, हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमारा राइट बनता है अपने देश से के प्रधानमंत्री से वार्तालाप करना, सवाल पूछना, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया था। क्योंकि किसान अपनी मांगों के लेकर नहीं, मोदी सरकार द्वारा 2014 के अंदर जो सरकार बनने से पहले वादे किए थे वो आज भी लटके हुए हैं, और लास्ट टाइम 2021 के अंदर जो उन्होंने हमें रिटर्न में चिट्ठी लिख के दी थी, उन्हीं मांगों को लेकर हम आए। कह रहे कि मंगिया मनिया हुई मंगाते प्रधानमंत्री आ नहीं रहे, हुण किसान लीडर की फैसला लेंगे? हुण तो रैली भी शुरू हो चुकी है, कोई आऊगा? क्योंकि बिच किसान ये कह रहे हैं कि असं ये क्या कि सानू ये भरोसा दिता कोई उच्च अधिकारी आऊगा इतने मीटिंग के लिए, फिर यह तो नहीं कि फिर किसान वापस चले? असल में जो परिस्थिति है ना पंजाब पटियाला के जिले के अंदर हम खड़े हों और पटियाला के जितनी भी सड़कें हैं उन सब पर किसान यूनियनों के नेता बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, और वो भी बैठे हैं जो SKM के नेता हैं। तो ये वार्तालाप करवाने के लिए, जो फैसिलिट करवाने के लिए हमने ये बात बोली है कि कोई सेंटर से मिनिस्टर या कोई हाईली अथॉरिटी PM ऑफिस से वो हमारे साथ वार्ता करके हमारे सवालों के जवाब ऑन कैमरा दे दे। हमें कौन सा वहाँ जाकर उपद्रव करना है? और जो बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो है, जैसे हमने पिछला देखा है कि चाहे मणिपुर के दंगे का टाइम हो, चाहे पिछला किसान आंदोलन हो या रेसल प्रोटेस्ट हो, ये अपने लोग घुसा देते हैं बीच में। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि 5500 के करीब गुजरात से फोर्सेज यहाँ मंगाई गई हैं, वो क्लियर नहीं किया गया है कि वो अडानी की फोर्स है, RSS की फोर्स है या वो अंबानी की फोर्सेस है। पंजाब पुलिस से सवाल किया सी तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन के मद्देनजर वख-वख फोर्सेस जो ने, पंजाब पुलिस के जवान भी हरियाणा च गए हुए ने, इतने फोर्स की घाट सी, इसलिए PM मोदी की रैली के लिए नहीं सगो जो कमी सी फोर्स की उसको पूरा करने के लिए गुजरात। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब पिछली बार पंजाब की फेरी के दौरान फिरोजपुर के अंदर नरेंद्र मोदी जी आए थे, तब उस समय फिरोजपुर में किसान पूछने गया था और वो टोटल गवर्नमेंट का फेलियर बोल दिया गया था। और ये जो गवर्नमेंट है, जैसा कि इसका रवैया रहा है अभी तक, क्योंकि ये तो टोटल ही फेलियर है, क्योंकि इनके जो बड़े ऑफिसर हैं, मैं नाम लेकर बोल दूंगा, नरेंद्र भार्गव, जसकरण जैसे लोग हैं, उन्होंने कहा जैसा बिहेव रहा है, पंजाब की धरती पर बैरिगेट लगे हुए हैं, आज तक सरकार ने कोई एक्शन लिया है? शुभकर्ण के ऊपर 0 FIR वो दर्ज कर देती है और हरियाणा से हरियाणा पुलिस आती है और लड़कों को उठा के लेती है पंजाब के अंदर से, नवदीप वाटर कैनन को उठा लिया, गुरकीर्त को उठा लिया और अनीस खटखट अभी जेल में बंद है। तो टोटल पंजाब की गवर्नमेंट भगवंत मान सरकार का फेलियर रहा है, और जैसा मीटिंगों के अंदर रवैया रहा है और पुलिस अफसर शाही का, वो बहुत ही रूखा रहा है, तो वो बड़ी लाचार नज़र आती थी। ये एक तरह से धब्बा है पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर कि आप अपने किसानों की जो नीति है उसको नहीं समझा पाते, आप सेंटर में बात नहीं रख पाते। ये इतना बड़ा प्रदर्शन करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर कल सुनील जाखड़, रवनीत बिट्टू, ये सब लोग मैनेज करके, हंसराज हंस इतना बकवास करते हैं जो किसानों के खिलाफ, वो फैसिलेट कर लेते मीटिंग, तो क्या पहला अगर कुछ हो जाता तो एवं किसानों को इन्नी गर्मी च इतने इन्नी वड्डी गिनती च ना बैठना पैंदा? की उम्मीद है हुण तुहानूं? देखो जी, साढ़े तुम देखे होना किन्नी किन्नी वड्डी उम्र के बजुर्ग साढ़े नाल मौजूद ने, पर इन्हां दे जज्बे उस तरह कायम ने, ये कोई अपनी मर्जी नाल नहीं बैठे, ये सरकारां दे बिठाए हुए बैठे ने। साडियां मन्नियां हुई मंगां 2013 के गुजरात के मुख्यमंत्री सीगे जी, उस टाइम नरेंद्र मोदी,
जिस टाइम उन्होंने एम एस पी की गल की लीगल गरंटी की, तुम देख लो। तो बाद जी रिपोर्ट पे उन्होंने बनाई सी, कमीशन बनाया से, रिपोर्ट जी आई वो टेबलों पर ही रुल रही है। असी कोई इस तरह का है नहीं कि असी अपने वालों मंग रहे हैं। जिहड़ियां सरकार दीयां रिपोर्टां ने, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट होगी, होर कमीशन बनाए हुए ने काफ़ी, देखो असीं तां उही मंग रहे हां जो सरकार ने साडे साडे लई पेश कीता है। हाँ जी, ठीक है। तो बिल्कुल इत्थे तुहानूं तस्वीर दिखा रहे हां, इत्थे टोल प्लाजा ते किसान बैठे हुए ने, वड्डी गिणती च किसान ने। उधर पटियाला च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, पूरे दे सुरक्षा इंतजाम इत्थे तुहानूं पटियाला च चप्पे चप्पे ते नजर आउणगे। किसानां दा गुस्सा मोदी सरकार नाल भी है, भगवंत सरकार नाल भी है, सूबा सरकार नाल, इस करके क्योंकि किसान ये कह रहे ने कि बई सानूं अगे नहीं वधन दिता गया, तो पंजाब का एरिया है, क्यों नहीं सानू पंजाब की सरकार जो अगे जान दे रही, असीं तां गल करनी है। हालांकि इन्हां लोगों भी, इन्हां किसानों नू अजे नहीं पता कि अगे की फैसला इन्हां दे लीडर लेंदे ने। अज ही सवेर तो इत्थे बैठे ने, हुण देखना होवेगा कि आखिर किसान लीडर की फैसला लेंदे ने, ताकि इत्थों उठणगे या इत्थे बैठे रहणगे, देखना होवेगा। हर तस्वीर तुहाडे तक पहुँचाउण की कोशिश असीं कर रहे हैं। कैमरा परसन एलिशा दे नाल मैं अर्शदीप कौर, पंजाब तक।